हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, मैं आज बना आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो रमजान में स्पेशली बनाया जाता है हर घर में। तो मैं आज आपके सामने ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो देख लीजिए गाइस, मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से दूध मेरा बॉयल हो रहा है जो कि मैंने पतीले में हाफ लीटर दूध लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स किया हुआ है एंड यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में मिक्स कर लिया है। जैसे कि 3 से 4 बड़े चमचे चाय के कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है दूध में। एंड देन यहाँ पर बता दूँ गाइस, मैंने यहाँ पर अनार के दाने लिए हैं जो कि एक सारा अनार है, और यहाँ पर एक एप्पल लिया है जो काट कर मैं रख ली हुई हूँ गाइस, और यहाँ पर 2 बनाना है जो कि मैं इसको भी काट कर रख ली हुई हूँ, और यहाँ पर इतने सारे ग्रेप्स है जो कि मैंने इसमें 1 से 2 पीसेस कर ली हुई हूँ। एक अंगूर में 2-2 पीसेस करके रखी हूँ कि इसका जो मीन्स जो कस्टर्ड होता है उसमें अच्छा सा लुक देता है। यहाँ पर मेरे दूध में बॉईल आ रहा है गाइस, देख लीजिए पतीले में जो दूध है उसमें अच्छे तरह से बॉईल आ रहा है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ गाइस। देख लीजिए अभी हम इसको कस्टर्ड ऐड किएंगे, ठीक है? अभी मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी गाइस। देख लीजिए इस तरह से आप कस्टर्ड ऐड कर लीजिए, इस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ऐड कर लोगे तो इसमें गाढ़ापन आएगा गाइस। इस तरह से धीरे धीरे आप इसको हलाते रहिए क्योंकि गाढ़ापन थोड़ा सा आ जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है? ये फिर मैंने इसको ऐड किया है, देखिए किस तरह से पक रहा है गाइस। इसमें गाढ़ापन आ गया है ऑलमोस्ट। इस तरह से अब ये थोड़ा इसको पकने देंगे हम गाइस इसमें गाढ़ा बनाने के लिए। एंड दिस मैंने शक्कर में इसमें ऑलरेडी ऐड की थी, जैसे ही फर्स्ट उबाल आया था उससे पहले ही मैंने ऐड किया चढ़ा दी थी, क्योंकि इसमें मैंने दूध के हिसाब से शक्कर ऐड किया है। तो आप भी अपने जितना पतीले में दूध लेते हैं उस तरह से उसके हिसाब से आप ऐड कर लीजिए शुगर जितना है आपको लगता है। देख लीजिए मैं यहाँ पर फ्रूट भी टोटली ऐड काट कर रख ली हुई हूँ गाइस, देख लीजिए यहाँ पर बता रही हूँ मैं टोटली। आप इस तरह से ऐड कर लीजिए काट कर पूरी तरह से, और इसे मिक्स करने के लिए पहले आप इस तरह से इसमें कहीं मीन गाढ़ापन आने के लिए आपको इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। थोड़ा इसमें बॉयल आने तक इसको अच्छी तरह से इस तरह ही मिक्स कीजिए गाइस। अगर आपको शक्कर कम लगती है तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए कस्टर्ड का जो गाढ़ापन आ रहा है इसमें ऐसा ऐसा आ गया है। देख लीजिए गाइस इसको आप इस तरह से ही बॉयल जब आता है इसको इस तरह से ही हलाइए गाइस पतीले में। अगर आप हाथ चलाते नहीं रहेंगे तो उसमें है ना नीचे तेला पकड़ने का चांस होता है, तो मैं इस तरह से इसमें अभी हम इसको पकने देंगे बॉईल आने तक, ठीक है? देख लीजिए इसमें बॉईल आ रहा है और भी गाढ़ा होते जा रहा है हमारा कस्टर्ड जो कि मैंने बनाया हुआ है। देख लीजिए ये किस तरह से गाढ़ा है। अगर आप इसको और भी गाढ़ा बनाना चाहते हो तो कस्टर्ड आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं ठंडे दूध में। अभी हम इसको बॉयल कर लिए है गाइस, तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं गैस। देख लीजिए अभी हम बॉईल कर रहे थे ना, तो अभी हम गैस बंद कर दिया है क्योंकि ठंडा होने के लिए। जैसे ही ठंडा होता है गाइस इसमें हम फ्रूट ऐड कर लेंगे। आपको जो फ्रूट पसंद है गाइस वो वाला आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें 4 फ्रूट्स ऐड करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए 4 ही फ्रूट ऐड कर रही हूँ जो कि मैं आपको बता दी हूँ ऑलरेडी। देख लीजिए मैंने अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ गाइस। मैं इसमें थोड़ा सा इसको बॉईल आने तक इसको उबाली हूँ गाइस, और उसके बाद मैंने इसको गैस बंद कर दिया है। अगर मैं गरम कस्टर्ड में ही मैं ये फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ जो कि ग्रेप्स, इसमें थोड़े से नरम हो जाते हैं तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है। आप ठंडे कस्टर्ड में भी मिक्स कर सकते हैं, बट मेरे पास फ्रिज नहीं है गाइस, इस वजह से मैं इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इधर थोड़े से फ्रूट्स में नरम पड़ेंगे तो उसका स्वाद और भी अच्छा आता है। देख लीजिए मैं इसमें 3 फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ गाइस,
इसमें बनाना है जो कि ग्रेप्स, मैंने ग्रेप्स फर्स्ट और इसमें ऐड कर लिया है, देन अभी मैं इसमें बनाना ऐड कर रही हूँ इस तरह से छोटे पीसेस काट लेके। अभी मैं एप्पल को ऐड करने जा रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में काट लेके। गाइस देख लीजिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है, तो इसमें थोड़े से फ्रूट और नरम पड़ेंगे गर्म से, तो इस वजह से आपको बता रही हूँ गाइस। देख लीजिए गाढ़ापन तो आप देख लीजिए कस्टर्ड का किस तरह से गाढ़ा है। अगर आप इससे भी गाढ़ा बनाना चाहते हो तो पाउडर आप कस्टर्ड का और थोड़ा ऐड कर लीजिए ठंडे दूध में, तो आप मिक्स कर लीजिए। जी मैंने तीन फ्रूट इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जो बाकी का फोर्थ वन है अनार, और ये पूरा टोटली ठंडा होता है तब मैं इसमें ऐड कर लूंगी इसको, जैसे कि डेकोरेट करने के लिए, तो उसी तरह से मैं इसमें ऐड कर लूंगी गाइस। चलिए हमारा कस्टर्ड ऑलरेडी रेडी हो गया है, रेडी टू सर्व हो गया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।